ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना। कौन किसको यहाँ दगा देगा, वक्त सब कुछ हमें बता देगा। ये वक्त ही है जो आदमी से आदमी की पहचान करा देता है, लेकिन सियासी लोग वक्त की परछाई में भी अपनी रंगत छुपा जाते हैं और आईना सामने आ जाए तो चिढ़ जाते हैं। खैर, सियासी वादे की दगाबाजी से जनता त्रस्त तो है ही, लेकिन दर बदर की ठोकरों को मजबूर कर देने वाली ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही दगाबाजी की जिसे अंजाम दिया है विधायक केपी त्रिपाठी के पिता ने। याद होगा वो गीत, दोस्त दोस्त ना रहा, वही हाल किया विधायक केपी त्रिपाठी के पिता कमलापति त्रिपाठी ने। विधायक तो आस्तीन के सांप है सर। विधायक को जहरीला नांग कहने लगी। हम लोगों को तरबार कट्टा बोलते हैं कि हम मार देंगे छूरा जो इधर आ जाओगे। मत से बदतर गरीब भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीता जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं। ऐसे लोग तो आस्तीन के सांप हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, कब डसते हैं कोई भरोसा। यह बीजेपी सरकार धनानंद बहुत दुष्ट अत्याचारी सब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक के पिता त्रिपाठी के काले अतीत और वर्तमान में बाहुबली होने की सच्चाइयों की, जिनके कारनामों पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस काले अतीत की जब वर्तमान विधायक के पिता त्रिपाठी के पिता कमलापति त्रिपाठी कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव के पद पर पदस्थ थे। उस दौरान सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़ी हररई के राम कुमार पांडे के रीवा शहर के हृदय स्थल पर स्थित पूर्व में चंद्रलोक होटल और वर्तमान में गैलेक्सी होटल के नाम से जाना जाने वाले होटल के पीछे एक बड़ा मकान था। कहां तो तय थे चरागा हरे घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। हरेक घर को रोशन करने का वादा करने वाले शहर के एक दिए जलाने को मोहताज, और तब स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये घर परिवार को नजर लग गई एक आस्तीन के सांप की, जिसे इस परिवार ने ही अपने घर में पनाह दी थी और शुरू हो गए बर्बादी के दिन। बताया जाता है कि वर्तमान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के पिता ने रीवा में रहने के लिहाज से एक हिस्सा घर का किराए से लिया था और कई वर्षों तक इस मकान में निवास करते रहे। समय बीतता रहा और उनके सपूत कृष्णपति त्रिपाठी राजनीति में अपना पैर धीरे धीरे जमा रहे थे। रीवा के जनपद अध्यक्ष बनने के बाद केपी त्रिपाठी ने राजनीतिक सहारा लेकर ठेकेदारी में अकूत धन अर्जन किया। वहीं सत्ता के पड़े रसूखदारों का चरण वंदन कर पिछले विधानसभा चुनावों में सिमरिया विधानसभा से भाजपा का टिकट हासिल कर सिमरिया क्षेत्र के एक्सीडेंटल विधायक बन गए और इसके बाद शुरू होता है इनके कुशासन का काला अध्याय, जहां इन्होंने अपने विरोधियों के ऊपर पुलिस में कई मुकदमे दर्ज कराए और कई राजनीतिक विरोधियों के ऊपर अपने गुर्गों से हमला कराया। तो इनके भाइयों ने जमकर ठेकेदारी चमकाई, विधायकी का धौंस दिखाया, गरीबों की मजदूरी हड़पनी शुरू कर दी। जो पीड़ा हाल ही में इनकी भाई की कंपनी का ट्रक चालक आप बीती बताते हुए सुना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हररई निवासी राम कुमार पांडे के परिवार की, जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने के बावजूद विधायक की प्रताड़ना से खाना बदोश जैसा जीवन जीने को मजबूर है। मकान में किराए से रहने वाले केपी त्रिपाठी सत्ता में आने के बाद उसके मकान को उनके कुछ परिजनों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर राम कुमार पांडे के मकान में पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेते हैं और अपनी कंपनी का कार्यालय खोल देते हैं और असली मकान मालिक को बेघर भी कर देने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता। घर के बाहर मकान मालिक का ताला बंद रहता है, अंदर से दीवार तोड़ दी जाती है, घर के गृहस्थी के सामान पर कब्जा कर लिया जाता है और ये कब्जा करते हैं विधायक केपी त्रिपाठी और उनके परिवारजन। बेघर हुए रामकुमार पांडे के बड़े बेटे ऋषि कुमार पांडे से जब हमने उनके गाँव बड़ी हररई जाकर बात की तो उन्होंने जो आप बीती सुनाई उसे सुन उनकी दुर्दशा को देख आप आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमारा नाम है ऋषि कुमार पांडे। अपना की रीवा में घर है? हाँ, रीवा में। बताइए कैसे कब्जा किया, कौन किया, कैसे आए थे वो लोग, पूरी कहानी बताइए क्या घटना। हाँ, बोलो। ये पहले हमारे पिताजी से किराया मिले थे। कौन? केपी के पिताजी। पूरा नाम बताइए। कमलापति त्रिपाठी। वो दो कमरा किराए से था। अच्छा, उसका किराया पहले देते थे, इसके बाद किराया देना बंद कर दिए हैं।
हो गया, जब किराया देना बंद कर दिया। हमारे पिताजी बोले कि भाई ऐसा है कि हमारा किराया दो नहीं, मकान खाली कर दो। तो ये बोले कि भाई हम मकान खाली नहीं करेंगे, वो हमारा हो गया है अब, और हम किराया भी नहीं देंगे। आपको मुकदमा लड़ना है तो लड़ लीजिए आप मुकदमा, हैं, हमको मुकदमे की परवाह नहीं है, हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि मुकदमा मामला हो गया दायर किए न्यायालय में, हैं। अभी चूंकि ये पैसे वाले आदमी हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हैं, कि अभी विधायक हैं, जनपद सदस्य रह चुके, तो इनका हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पिताजी कुछ ऐसी परेशानी थी तो यहाँ आ गए, मम्मी को, बहन को, भाई को यहाँ ले आए। तो ये लोग क्या सोचे कि अच्छा मौका मिला है, मकान तो पूरा बंद है, अब हमारा हो, तो बाहर ताला हमारा बंद है, अब भीतर से दरवाज़ा इनका बना है, मैंने दीवार तोड़ करके दरवाज़ा बना लिए, वहाँ हमारा बहुत लाखों का सामान था, सब ये लोग रख लिए। अब क्या कहते हैं अगर आप उस बात करते हैं, कभी गए थे तो बोले कि तुम्हारा है नहीं है, भूल जाओ। अब तो ये कहते कि तुम्हारे तो मकान है नहीं है, भूल जाओ कि कभी रीवा में रहते थे हम लोग, मंदिर बना हुआ है, करोड़ों की संपत्ति है, आपको छोड़कर जंगल में रहना पड़ रहा है। हाँ, जंगल में रहना पड़ रहा है। परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? हो गया, यही खेती से कोई बिजनेस तो है नहीं साहब, हैं, वो हमारा पुश्तैनी मकान है। अच्छा, इसके जो साथी वाथी हैं वो भी जो मकान था उसको भी कब्जा कर लिए, ऊपर का हमारा गिरा दिए, 7-8 कमरे की बिल्डिंग हैं, उसके ईंटा तक की पता नहीं है। ये सब विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा किया, ये सब केपी के, आप जाकर मौके पर देख सकते हैं मकान हमारा, मेरे बच्चे प्रमाण उसका हो गए, सब अनपढ़ हो गए हैं। आज हमारे बच्चे बताइए गांव में भाग रहे हैं जंगल में, मैं शिक्षा दीक्षा इनको नहीं मिल रही सही ढंग से, हैं, मकान के चलते भाई दो पैसे। आपके पिताजी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, हाँ, आज 90 साल के बूढ़े आदमी हैं, वो कहते हैं कि हम कत्ल कर देंगे, हैं, मर्डर कर, हैं, हमारा कोई मुकाबला कर सकता, मकान तो हमारा है, हैं, तब बताइए हम उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं, बताइए, हैं, कि हम उनसे लड़ पाएंगे, हैं। वो हमारा पुश्तैनी 7 पीढ़ी का मकान है, मेरा वहाँ विश्व राघव का मंदिर बना हुआ करोड़ों का, हैं, सब ने कब्जा किया, वो ऊपर नीचे हमारा तो 2-4 लाख रुपए का वहाँ सामान पड़ा था पूरा, सब कब्जा कर लिया, सब अरे सब लगे घरे, टेबल कुर्सी तक था, सोफा सेट, गोदरेज, फ्रिज, हैं, और आपका ये गैस सिलेंडर, डबल टीवी, बेड, रिकॉर्ड, पाथर जितना था सब रख लिए, कुछ नहीं हमको मिला। वहाँ जाना हमको मुनासिब है, हैं, लेट्रिन बाथरूम मेरी बनी थी, सब गिरवा उरवा के सब कंप्लीट कर दिए, हैं, के बल पर से हम, अब साहब हम क्या कर सकते हैं बताइए, हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज अब आप स्थिति मौके पर देख रहे हैं कि इस झोपड़ी में रह रही हैं, हैं, जिसकी 50 कमरे की बिल्डिंग बनी हो रीवा में, वो आज झोपड़ी में रहे, आपको जो रीवा में घर है तो कोई शासन की योजना का लाभ ही ना मिल रहा होगा, कोई योजना का लाभ नहीं, रिकॉर्ड में सब आपके पास है संपत्ति, हां, सब बच्चे ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, सब बेरोजगार है, बेचारे अनपढ़ हो रहे हैं, बताइए आज जिसका मकान रीवा में चंदलोक होटल के पीछे होगा, 50 कमरे की बिल्डिंग, हैं, पुष्पराज सिंह के हम लोग पड़ोसी हैं, 4 बच्चे थे, बगल में हमारे पुष्पराज सिंह की जमीन है, मकान है, हैं, तो उसका ये स्थिति है आज कि मैंने बद से बदता, गरीब भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीता है जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार पांडे। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। ऐसे लोग तो आस्तीन के सांप हैं। सुना आपने, ये हैं लोकप्रिय विधायक केपी त्रिपाठी, जो मकान मालिक को कहते हैं कि इस मकान के बारे में भूल जाओ और इस संबंध में कभी रीवा नहीं आना, नहीं तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। आइए सुनाते हैं ऋषि पांडे की पत्नी भानुमती पांडे को, जिसके 4 बेटे शिक्षा से वंचित रह गए और आज झोपड़ी बनाकर जंगल में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे बच्चे सब अनपढ़ हो रहे हैं, हमारे बच्चों को कोई यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, जहाँ घर है हमारा तो ही केपी त्रिपाठी ने और दूसरी परिवार लोग सब हमको मार के भगा दिए हैं, मेरा ताला तोड़ करके आऊँ कब्जा करे हैं, बोलते हैं तिरु रीबा भूल जा, तुम्हारा है कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, हम लोग हुआ जा नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को तरबार कट्टा बोलते हैं कि हम मार देंगे छूरा जो इधर आ जाओगे, था हम लोग डर के मार
हमारे नहीं जा रहे हैं। मेरे ससुर जाते तो उनको भी गाली बकते हैं, हमारे पति भी का गाली बकते हैं, बोलते हैं भूल जाओ तुम इधर मत भूल जाओ तुम यहाँ, इधर तुम्हारा कुछ नहीं है। अब हम लोग वंचित हो रहे हैं, एक कबाड़ी जैसे मेरे बच्चे फुई फिर रहे हैं, हैं कोई सुख न सुविधा, मेरे बच्चा अनपढ़ हो रहे हैं, बस हो गया यही डाड़ी में हम लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, ना कोई खाने का सुविधा, ना कोई पहनने का सुविधा, ना रहने का सुविधा, मेरा सब घर का ऊँ सब ले ली। भूल जाओगे तुम लोग, हाँ बोलते हैं तुमको ऐसे हम गमार जैसे बगाएंगे, तुम्हारा क्या क्या कर सकती हो और क्या कर सकते हैं तुम्हारे पति, तो मेरे आदमी जो बोलते थे कहते हैं कि भूल जाओ नहीं तुम तो फिर जीवन से खतरा हम कर देंगे, जीवन से खलास कर देंगे जो ज़्यादा बढ़ोगे तो। अब हमारे तो पूँजी पैसा है नहीं, हम क्या करें भैया, हाँ तो हम लोग बहुत परेशान हैं भैया, कोई विधाता हमारे बन जाइए, भगवान बन जाइए, हाँ हम आप ही लोगों का। कौन ऐसा कर रहा है? ये हमारे ऊप जो रह रहे हैं केपी, और केपी का जो केपी ने उनको बसा दिए हैं, पाड़े हैं वो बबलू है, वो परिवार का है, बोलते हैं परिवार के हैं, हमारे वहाँ कोई नहीं, वो दूसरे का परिवार के हैं, होंगे भले होंगे हम नहीं जानते हैं। कौन केपी, पूरा नाम बताइए। केपी त्रिपाठी जो विधायक है, केपी त्रिपाठी जो विधायक है, वो इतना हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। विधायक तो आस्तीन के सांप है। जब हम बड़े हर्रे स्थित राम कुमार पांडे के छोटे बेटे के घर पहुंचे तो जानकारी हुई कि राम कुमार पांडे का छोटा बेटा आज भी बेरोजगार घूम रहा है, करोड़ों की संपत्ति पर विधायक का कब्जा है। उस राम कुमार पांडे की एक जवान बेटी भी है जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। राम कुमार पांडे की उम्र 80 को पार कर चुकी है और वो अपने ऊपर हुए इस तरह के विश्वासघात से पूरी तरह से टूट चुके हैं। किसी भी परिस्थिति में वो वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी की जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने में डरते हैं। जब हमने उनकी बेटी से बात करनी चाही तो उन्होंने अपनी परिवारजनों के जान को खतरा बताते हुए किसी भी तरह से बात कैमरे के सामने करने से मना कर दिया। मौके पर मौजूद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने बताया कि ये परिवार विधायक केपी त्रिपाठी से पूरी तरह से डरा हुआ है और उनके जुल्म सितम को खामोशी से सहन कर रहा है। भले ही सत्ता अभी विधायक के हाथ में है पर सत्ता किसी की बपौती नहीं, वह बदलती रहती है, सत्ता भी बदलेगी और ये जुल्म सितम भी खत्म होंगे। क्या नाम तुम्हारे बब्बा का बेटा? राम कुमार पांडे। राम कुमार पांडे जी का घर है, मकान है, इस गिरी हालत में ये यहाँ पर रहते हैं। ये वही व्यक्ति हैं मेरी विधानसभा के बिल्कुल मेरे गांव के बाजू से रहते हैं। इनका जो है पूर्व का जो है राजनीति की इनका पृष्ठभूमि भी रही है, बहुत पुराने जनसेवकों में जाने जाते हैं। इनका मकान जो है बड़ा मकान आज जो है करीब करोड़ों रुपए का मकान जो है आपका रीवा में बना हुआ है, जिस पे जो है क्षेत्रीय विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा जो है वहाँ पर कब्जा किया हुआ, काफ़ी दिनों से उनसे मुकदमा भी चल रहा है। तो ये वही मकान है जहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा बेटा कोई दूसरा मकान तुम लोग के पास यहाँ पर कोई मकान नहीं है? इनका नाती है जो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर इनके घर पे जो खड़े हैं। कुल मिलाकर भवन देने का नाम, विकास की बात करके आज मजबूर कर दिया गया है परिवार को, किस तरह से जर्जर भवन, जर्जर जानवर रह रहे हैं, जर्जर स्थान पर रह रहे हैं। क्या मानते हैं विधायक की किस तरह से ये विकास और षड्यंत्र के तहत बुजुर्ग आज परेशान है और विधायक के दम पर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा? बेहद ही अमानवीयकृत। कोई दूसरा व्यक्ति इस स्थिति को जो देखेंगे, आप सभी जो लोग जो देख रहे हैं इस चीज़ को, ये मेरे इंटरव्यू को जो सुन रहे हैं लोग, वो लोग जानें कि कैसी मानसिकता जो व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति जिनके पास जो करोड़ों का मकान पे कब्जा विधायक द्वारा कर लिया जाता है, वो ऐसी स्थिति पर रहेगा। अगर कोई भी आदमी है तो उसके मन में थोड़ी पीड़ा अगर होगी तो वो निश्चित रूप से इन लोग का व्यवस्था दूसरों से छीन कर इनको देने की व्यवस्था करते, खुद कब्जा करने की बात दूसरी है। इससे उनकी मानसिकता, उसके कार्यकलाप और उनके जो है कितना षड्यंत्रकारी किस प्रकार से जानकारी है लोगों को हो रही है। विधायक तो आस्तीन के सांप हैं सर, कभी कुछ भी यहाँ देखने तक नहीं आते हैं और गुंडा राज्य है जब से वो हो गए हैं और एकदम नाग हैं। सेमरिया विधानसभा के लोग अब विधायक को जहरीला नाग कहने लगे और यह कहते हैं कि विधायक नहीं, यह जहरीला नाग है, यह आस्तीन का सांप है जो हर वक्त सेमरिया विधानसभा के लोगों को डस रहा है। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। कि अच्छा दादू लूट रहा है, गुंडा बना है। आप सुन रहे थे आप पार्टी के जिला अध्यक्ष और सेमरिया विधानसभा से 2018 में प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा को, जो पीड़ित परिवार के गृह ग्राम पहुंचे
और घर में मौजूद लोगों से बात की। अब आपको सुनाते हैं समाज सेवी विजय तिवारी को, जिनके द्वारा कहा गया कि राम कुमार पांडे ने गलती से आस्तीन का सांप पाला था जो कि विषैला निकला और पूरे परिवार को डस लिया है। मुझे याद आती है आरिफ अलवी की कही हुई चंद लाइनों की, लूट मार के गवाह होते हैं आस्ती के सांप, मक्कारी की पनाह होते हैं आस्ती के सांप, आपके पीठ पीछे ही बसती है इनकी दुनिया, वैसे तो हर जगह ही होते हैं आस्ती के सांप, जब भी कोई तड़पता है इनको हंसी आती है, बेईमानी की इक्सत है होते हैं आस्ती के सांप, समझदारी इसी में है इनको कभी न पालो, बर्बादी की अलग गिरह होते हैं आस्ती के सांप, जरा दूरी बना के रखना इनसे हमेशा लोगों, गंदगी की एक गिरह होते हैं आस्ती के सांप, अपने आप को कोरा कागज जैसा दिखाते हैं, जुल्म की असली वजह होते हैं आस्ती के सांप। ये तो एक तरह से जो है तो आस्तीन में सांप पालने जैसा है, जिस सांप को आप दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी जो एक सम्भ्रांत व्यक्ति होगा वो अब किसी को अपना मकान किराए से देने में डरने लगेगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो अभी सुनने में आया, विधायक सिमरिया त्रिपाठी जी आज से 20 वर्ष पहले जो किराए से इनके पिताजी मकान लिए थे, राम कुमार पांडे जी हैं, ये 90 वर्ष के हैं और इनके पुत्र ऋषि कुमार पांडे जी हैं, ये लोग आदिवासी जीवन जी रहे हैं। इन लोगों को धमकी देकर, धन के बल पर, सत्ता के बल पर यहाँ से धमका कर भगा दिया गया, ये बेहद चिंतनीय विषय है। और ऐसे व्यक्तियों को जो पद और पोस्ट में बैठा व्यक्ति है, इसको गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। जिस पार्टी में है उसके मुखिया को भी इसको जो है तो संज्ञान में लेकर एक बार जानकारी सही जुटाकर कार्रवाई करना चाहिए। और साथ में जो हमारे ज़िले के जो मेन मुखिया हैं जिनके साथ ये चलते हैं, इनको भी इस विषय पर जानकारी लेकर इनको समझाइश देना चाहिए। और साथ में कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति ना करे उसको प्रशासन को भी दंडित करना चाहिए। ये मामला चूँकि अति से अति गरीब व्यक्ति का है, जब मैंने उस व्यक्ति से मुलाकात की 90 वर्षीय राम कुमार जी से, तो इतने वृद्ध हैं और इनके बच्चे जो है तो खाना बदोश की ज़िंदगी गांवों में जी रहे हैं, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है इन बच्चों की, बेचारे डर के मारे भाग गए हैं, अपनी संपत्ति छोड़ के भाग गए, ये कहाँ का न्याय है। ऐसे अगर दुरात्मा व्यक्ति इस तरह से करेगा किसी के साथ तो कैसे जी पाएगा। इसलिए हमारे जो जानकारी में आया है, मेरे संज्ञान में जो आया है, तो बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना को जो इनके साथ रहने वाले बड़े पदाधिकारी हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो है तो साथ चलने वाला व्यक्ति कहाँ क्या कर रहा है। और स्थिति बड़ी नाजुक है, ऐसे लोगों को तो कोर्ट में भी ले जाना चाहिए, पर ये लोग जो है तो गरीब हैं इसलिए कोर्ट की लड़ाई तो बहुत महंगी हो गई है। कैसे तुलना करेंगे आप इनकी जो कब्जा किया है और रहने वाले जमीन? अब ये बेचारे, इनकी तुलना तो सीधे सीधे ये जो है तो बहुत फटेहाल लोग हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं। जिसने कब्जा कर रखा है इसको तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी जैसे भी आया हो इस मकान पर दाखिल हुए हों और पैसा नहीं चुकता किए और जबरन कब्जा कर लिए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। ऐसे लोग तो आस्तीन के सांप हैं। सुना आपने किस तरह से लोगों में आक्रोश है और पीड़ित परिवार की दुर्दशा को देखकर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आपको सुनाते हैं पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे शुभ्रांशु त्रिपाठी को, जिन्होंने इनकी तुलना घनानंद से की है और कड़े शब्दों में विरोध करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए सुनते हैं शुभ्रांशु त्रिपाठी को, उन्होंने अपने ही अंदाज में क्या कहा। अब जो जानकारी मिल रही है कि ये काफी दिनों से
वहाँ पर रह रहा था बाल अवस्था में, लेकिन इसका चरित्र तो बचपन से ही दिख रहा था। तो ये जनपद हो गया, पहले पढ़त लिखत रहा तो मैं रहत रहा, फिर थोड़ा पावरफुल भा तो लोभ आएगा तो ऐसे वो अवैध कब्जा कर लीन। इनखर जो बड़काए मालिक हैं वो ये सब कुछ जानते हुए भी इतने महत्वपूर्ण पद मौका पहुँचा दीन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे समाज के जो आयना होते या नेता होते हैं तो यह मैं नेता से यह मैं चरित्र का देख के युवा कौने दिशा का आदर्श मनी या थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके परिवार के चार चार पांच पांच बच्चे अनपढ़ हो गए, पहाड़ों में ज़िंदगी काट रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं स्थानीय विधायक, और आपको क्या लगता है कि कैसा मैसेज जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है जिसके पास नहीं यह अयोग्य अयोग्य आदमी जब अकुशल आदमी कौनों सत्ता और जिम्मेदारी के पद में आवत है तो वह अपन चरित्र दिखावत है। तो अभी धनानंद टाइप के बिहेवियर कर रहे हों, कमाने डराए रहे हैं, धमकाए रहे हैं, अवैध रूप से कहो के प्रॉपर्टी खाए रहे हैं, तो यह समाज खातिर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ दिन अब वो बचा है तो ये कह लें हम पचे आम आदमी के आवाज़ आहन, आम आदमी का हम पचे छाड़बना। आज इतना दुर्भाग्य चल रहा है वह 10 तारीख का 10 बजे जब धरती में भूचाल आई कौन की जौन आवे वाली 10 तारीख बहुत अहम है, और वह संपूर्ण बीजेपी का अपने चरित्र के परिणाम सामने दिखाई इठ नई दिशा किराए से घर में आए और उसी पर कब्जा कर लिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आदमी सहयोग के भावना से शहर में आए पढ़े लिखे थे तो कोई धीरे धरे में रहेगा तो तुम का लोभ दिखा लाग, अब तू आज गुंडा हो गया तो तुम अंडरवार है, धमका रहे, अवैध कब्जा कर रहे हैं। अजय उन्हें घर मालिक हैं सगले बीजेपी वाले सब सो रहे हैं कि अच्छा दादू लूट रहा है गुंडा बना है, तो यह गुंडा तो खा लिया इनका पूरे बीजेपी का बिंधमा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जितने ऊपर वाले नेता नतपन पाड़ी हैं इनका सबका सद्ज्ञान ले चाहिए और का सामाजिक न्याय दें भाई, ऐसा थोड़ा होता है। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। विधायक तो आस्तीन के सांप है। अब आपको सुनाते हैं हाल में ही महा 400 की दिहाड़ी करने वाले विधायक के पितृपाठी के भाई की कंपनी में काम करने वाले ट्रक चालक असलम को, जिसने इनके कंपनी के काले करतूतों की पोल खोल दी है, जिसके द्वारा बताया गया कि किस तरह से जबरदस्ती हाईवा चलवाए जाते हैं और किस तरह की शर्तें रखी जाती हैं, मारपीट की जाती है, तनख्वाह नहीं दी जाती, ऊपर से टॉर्चर किया जाता है, और जब पैसा मांगा जाता है तो भाई किस तरह से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खान। क्या प्रॉब्लम है आपको? हम केपी भैया की यहाँ गाड़ी चलाते थे, उनका केपी भैया कौन है? केपी विधायक जी, वो सेठ, लेकिन उनका जो हिसाब किताब करते हैं नीरू दादा करते हैं। ये कौन है? ये उनके छोटे भैया जी, बताइए। और हिसाब नहीं दे रहे हैं मेरा, अभी मैं नीरू दादा को फ़ोन लगाया तो वो बोले कि हम नहीं देंगे हिसाब किताब, हमारे घर में तबीयत ख़राब है हमारी घर वाली की, और विधायक जी का काम चल रहा है केपी त्रिपाठी जी का। तबीयत किससे ख़राब है? हमारी घर वाली की ख़राब है। अच्छा अच्छा। और हमारा पैसा ही नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम पेमेंट वेमेंट नहीं देंगे क्योंकि तुम ड्राइवर चढ़ा के नहीं गए। अब बताइए, दो महीने में पेमेंट देते हैं, वो भी आधी अधूरा पेमेंट देते हैं, दो महीने में पेमेंट देते हैं, बताइए क्या करें हम। आपका कितना पेमेंट बाकी है? 17 दिन का उस महीने जनवरी का बाकी है, और 1 तारीख से 19 तारीख तक को मैं आ गया हूँ, उतना बाकी है। और आपको क्या दिक्कत है वहाँ, आप बता रहे थे? हाँ, वहाँ दिक्कत ये है, क्रशर में गाड़ी चला रहे थे तो हमारा कालर पकड़ा था, विकास जो नाम है वो सुपरवाइजर है, हम फोन लगाए सबको लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए हैं। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए हैं, न कोई कुछ बोला है। केपी त्रिपाठी जी, उनकी गाड़ी है, उन्हीं का काम चल रहा है, केपी विधायक जी का। तो विधायक जी क्या बोल रहे हैं? विधायक जी से हमारी कोई फ़ोन में बात हुई नहीं है, उनका नंबर भी नहीं है, हिसाब किताब उनके छोटे भैया देते हैं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हम पेमेंट वेमेंट नहीं देंगे। मालिक कौन है वहाँ कंपनी के? वहाँ कंपनी का मालिक नीरू ही दादा, हमारी 5 गाड़ियों केपी त्रिपाठी जी विधायक जी हैं वहाँ के मालिक, उन्हीं का काम चलता है लेकिन चलाते उनके छोटे भैया लोग हैं, ऐसा चलाते हैं छोटे भैया बुआ। कहाँ काम चलता है, क्या काम चलता है उनका? काम सुनरा गांव में चलता है, बेला में। क्या काम चलता है? माइंस है, अल्ट्राटेक कंपनी है, उधर माइंस में खुदती है माइंस, उनकी 5 गाड़ियां हैं केपी त्रिपाठी जी की 5 गाड़ियां हैं, और लोड होती हैं, हम लोग ले जाते हैं दूसरे माइंस में, खाली करते हैं, मतलब उसको बांट रहे हैं, ये करते हैं केपी त्रिपाठी जी का। तो कौन सी गाड़ी आप चलाते थे? मैं 10 टायरा चलाता था, BS6। नंबर क्या गाड़ी का? 5825, नई गाड़ी है, नंबर नहीं छपा है, नंबर सिर्फ उतना ही छपा है, 5825। अच्छा, और कोई दिक्कत आपको?
आप क्या चाहते कि आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा पेमेंट हमको मिल जाए, हम तक की दवाई करवा सके अपने घर वालों की। हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, हमारा पैसा नहीं दिया है और मना कर दिए हैं, बोले हैं कि हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि तुम पहले चले गए हो। ठीक, तो ये है सेमरिया के विधायक के पी त्रिपाठी का कारनामा, जिनके द्वारा विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए किसी का रोजगार छीना जा रहा है तो किसी को झूठे मामले में फंसाया जाता है तो किसी पर हमला करवाकर आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अब एक नया मामला सामने आया है जहां एक परिवार को बेघर कर उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पी गई है। अब चर्चा करते हैं क्षेत्र में इन दिनों चर्चित उन वीडियोस का जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को चाहे कितना भी बड़ा पद दे दे वो अपना अतीत नहीं भूलता। सम्माननीय हमारी धर्मपत्नी, माननीय विधायक जी की सम्माननीय धर्मपत्नी, सम्माननीय ज्योति त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं, पूजन में भाग लेने का कष्ट करेंगे और आज यह शुभ घड़ी इस बात का प्रतीक है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं कि देखो अब तुमको मैं बता रहा हूँ कि चूंकि मेरी आदत सब जान गए थे, छुप रहे थे, मुझे शिकार मिलते नहीं थे, इसलिए मुझे तुम लोगों को धोखा देने के लिए बगुला भगत बनने लगा बनना पड़ा। सबको मार कर मैं खा गया हूँ इसी पत्थर पे पटक के। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। तो देखते रहिए विराट 24 न्यूज। अब आपकी आवाज राष्ट्रीय मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब केकड़ा भाई तुम्हारा नंबर है, तुमको भी आज पकड़ के मैं खा जाऊंगा। कि अच्छा दादू लूट रहा है, गुंडा बना है।